दोस्तों, क्या आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके फ़ोन में चाइनीज ऐप है या नहीं? तो दोस्तों, ये जो वीडियो है केवल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप जो अपने फ़ोन से एक ही साथ सारे चाइनीज ऐप को रिमूव कैसे कर सकते हैं, और चेक भी कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में अगर कोई चाइनीज ऐप है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस ये जो वीडियो होने वाला है चाइनीज ऐप को रिमूव करने के बारे में होने वाला है। दोस्तों, और अगर आप एक सच्चे पैट्रियट है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सारे चाइनीज ऐप्स को बॉयकॉट करें। हालांकि अभी तो हम लोग चाइनीज फोन्स को बॉयकॉट नहीं कर सकते, बट दोस्तों हमारे बजट में जो है वो हमें करना ही चाहिए। दोस्तों, हमारे बजट में तो यही है कि हम लोग जो है चाइनीज ऐप से मतलब जो अर्निंग होता है चाइना को, उसको स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप जो है चाइनीज ऐप को बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल करिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन से सारे चाइनीज़ ऐप को रिमूव करना, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में जाना है, फिर आपको जो है यहाँ पे एक ऐप सर्च करना है जिसका नाम है रिमूव चाइनीज़ ऐप्स। तो बस ये जो ऐप है वो केवल 8 MB का देखने को मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ये कर लिया, तो चलिए अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिर आपको जो है जैसे ये ऐप ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है स्कैन नाउ में। उसके बाद दोस्तों ये आपको फ़ोन को स्कैन करेगा कि आखिर आपके फ़ोन में कितने चाइनीज़ ऐप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे फ़ोन में केवल एक चाइनीज़ ऐप है जो कि MI रिमोट है। बट दोस्तों, ये ऐप मैं इसलिए अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें जो है इसका जो एड्स था मैंने वो ऑफ़ कर दिया, और इसमें पहले से भी कोई एड्स नहीं शो करता था। सो दोस्तों, अगर इस ऐप में एड्स नहीं शो करता है तो इससे जो है चाइना को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में कोई भी दूसरा चाइनीज़ ऐप आप नहीं देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, इसी तरीके की मदद से आप भी जो है अपने फ़ोन को स्कैन कर सकते हैं और जो भी चाइनीज़ ऐप है उसको रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है अपने फ़ोन से चाइनीज़ ऐप को रिमूव करें, कि दोस्तों चाइना वाला लोग जो है वो हमारे जो हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं उससे चाइनीज़ लोग का बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है। सो दोस्तों, मैं बस आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है प्लीज़ 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 चाइनीज़ ऐप को इंस्टॉल करना बंद कर दीजिए। और फिर भी दोस्तों, अगर आपको कुछ चाइनीज़ ऐप बहुत ज़्यादा एसेंशियल है तो आप जो है उसका कुछ परमिशन को ऑफ करके यूज़ करिए। जैसे कि आप जो है उसका लोकेशन ऑफ़ कर दीजिए, एक्सेस टू योर स्टोरेज ऑफ कर दीजिए। तो बस दोस्तों, आप जो है अपने फ़ोन से परमिशन का भी ख्याल रखें, तब जाके आप एक अच्छा सा सिक्योर लाइफ जी सकते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ। ऐसे अगर आप ऐसा नहीं करिएगा दोस्तों, तो आपको जो है वो डाटा भी लीक हो सकता है और आप जो है चाइना को प्रॉफिट भी पहुंचा सकते हैं। सो दोस्तों, बस ये जो वीडियो है था पेट्रियोटिक होने वाला था। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।